गुड मॉर्निंग। आपसे नहीं, मैं इन महाशय से कह रहा था। वो कहा जाता है ना कि सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये कहानी भी लखनऊ की इस खूबसूरत सुबह से शुरू होती है। किसी ज़माने में यहाँ नवाबों की हुकूमत थी, अब यहाँ की सरकार, स्टूडेंट्स यूनियन, पुलिस, अपहरणकर्ता और जनता मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं। मॉडर्न इंडिया के हर उभरते हुए शहर की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी चारों दिशाओं में फैल रही है। खैर, हर शख्स, चाहे वो अच्छी बुरी खबर बेचने वाला हो या लाफिंग क्लब मेंबर मिसेस सूरी, फर्स्ट बेल के बाद पहुंचने वाले डरे हुए बच्चे हों या लेट नाइट मीटिंग से घर लौटते एमएलए चौगले, चाय की दुकानों पर दलील देते वकील हों या अंडर 18 बैट्समैन पार्थिव, हर कोई यही कामना करता है कि उनकी सुबह और फिर पूरा दिन अच्छा गुजरे। हालांकि गुड मॉर्निंग बोलना या सुनना इस बात की गारंटी नहीं है, पर कोशिश तो सभी करते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अरे ओहो, अब देखो, हर किसी को ये रास नहीं आती, पर देखने वाली बात ये होगी कि सुबह का ये गोबर इनके आज के दिन में क्या रंग लाता है। मॉर्निंग करने लगा, मैंने देखा नहीं, पैर चला गया गोबर में। LBS एनक्लेव में यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स के P33 में रहने वाले छोटे बाबू बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। उम्र 34, कद 5'2", मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। दो भाइयों और एक बहन की शादी के जिम्मेदार, खुद शादी से कतराते हैं। ओके, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है छोटे बाबू। राणा प्रताप सिंह और इनमें कॉमन फैक्टर, इनका चेतक। पांव जमीन पर रहें इसीलिए स्कूटर की सीट नीचे करवा रखी है। बिना डगमगाए और हमेशा पहली किक में स्टार्ट होकर इनका स्कूटर 4 साल से इन्हें अपनी वफादारी का सबूत दे रहा है। अपने फिक्स्ड टाइम टेबल से चलने वाले जीवन में इन्होंने कुछ समय भगवान शिव के लिए रखा है। कई सालों से हर सोमवार और शुक्रवार को गोमती किनारे इस शिव मंदिर में ये 5 रुपए का दूध चढ़ाते हैं। शिवजी से इनका बड़ा करीबी रिश्ता है। अपनी छोटी बड़ी सभी मुश्किलें और मन की हर बात ये अपने भोले बाबा से शेयर करते हैं। के हिसाब से दो नाम है, आयुष और अरमान। एक पार्टी कहती है अरमान रखिए और दूसरी पार्टी कहती है आयुष रखिए। अब नाम का चुनाव मुझे करना, मतलब आप लीजिए। बातों बातों में मैं इनका नाम भी बताना भूल गया। ये है मिथिलेश शुक्ला, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन और छोटे बाबू। ये वक्त के बड़े पाबंद हैं। 9:35 और 45 के बीच इनका स्कूटर यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर आ ही जाता है। आप घड़ी मिला सकते हैं। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते। अपने डिपार्टमेंट में सबसे पहले पहुंचने वाले, हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। काम में गलतियों से छोटे बाबू को सख्त चिढ़ है। नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते मिश्रा जी। मिश्रा जी जी, परसों जो दिल्ली से किताबें आई थी उनकी लिस्ट तैयार है? जी तैयार है छोटे बाबू, चेक नहीं किया है, अभी चेक करके 10 मिनट में देता हूँ। 10 मिनट नहीं, आधा घंटा लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से चेक करके दीजिएगा। ओके। नमस्ते। लोग इन्हें किताबों का पुजारी कहते हैं और ये अपनी लाइब्रेरी को मंदिर। मैं आई कमिंग सर।
आइए आइए छोटे बाबू आइए। ये सर कुछ पब्लिकेशंस की नई कैटलॉग्स हैं और ये आपने जो किताब मंगाई थी सर। थैंक यू। यूनिवर्सिटी के डीन श्री जुगल किशोर मिथिलेश की बहुत कदर करते हैं और लाइब्रेरी को अपग्रेड करने में पूरा सपोर्ट देते हैं। तो अगले महीने लोग सिस्टम सेटअप के लिए आ रहे हैं और आपको ये सारा काम देखना है। जी सर। थैंक यू सर। अच्छा, अरे भाई आप भी इधर ही बैठे। नहीं नहीं बैठे रहिए, लिस्ट अच्छी तैयार है। आप लोग चाय पी चुके क्या? आप लोग चाय पी चुके हो तो क्लास में चलिए। चाय पी चुके ना आप लोग? हाँ तो चलिए क्लास में चलिए। आराम से सलीम, तुम तो हिला के रख देते हो। ये इनके दोस्त सलीम यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के कोच हैं पर अब लाइन बदलना चाहते हैं। कैसी लगी? कैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कैसी लगी मैं समझा नहीं। यही है जिनके साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। आजकल इन पर शादी करने का भूत भी सवार है। अरे देखना तो तुम्हें है ना। अरे आपको कैसी लगी छोटे बाबू? अब ये कैसी लगी इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे विचार कैसे मिलते जुलते हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तुम एक दूसरे को कितना जानते हो, सब तुम्हें देखना है ना। छोटे बाबू को अपना बड़ा भाई मानते हैं लेकिन कुछ मामलों में इनके नजरिए अलग है। इससे फेर तो वही है, कम से कम उतनी फेर तो होनी चाहिए ना। हमारे साथ हुआ करो तो ये सब मत किया करो। आप भी आनंद सिनेमा के पीछे अंसारी प्रेस के बगल में छोटे बाबू का पुश्तैनी मकान है जिसमें इनकी माँ और दो भाई सपरिवार रहते हैं। नमस्कार। लोगों का ये कहना है कि इनका स्वभाव और इनकी मुस्कुराहट दोनों इनके स्वर्गीय पिताजी की देन है। अच्छा सुनो, वो पान भी देख लेना, पान आए हैं कि नहीं। जी भैया। क्या माँ? मिथिलेश की माँ। मौका खुशी का हो या गम का, इनकी आंखें भर ही आती है। भैया जी अरमान नाम रखेंगे। बहुत अच्छा। बहन और भाइयों को सेटल करने के बाद पारिवारिक शोरगुल से दूर रहने के लिए दो साल से मिथिलेश अकेले रहे। जो भी ये हो गया या करवाया है। एडवोकेट किशोरी लाल मिश्रा रिश्ते में मिथिलेश के मामा होते हैं और पूजा के समय अक्सर सोते हुए पाए जाते हैं। चलिए शांति पूजा हो गई। भैया जी अब बच्चे का नाम बताइए। भैया जी आयुष। आयुष रख लीजिए। नाम आयुष शुक्ला, श्री कमलेश शुक्ला, इति नाम आयुष देहि धनं देहि विद्यां देहि महेश्वरी। मामा जी बड़ी जल्दी में। दीदी ये रामप्रकाश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाह रहा है। अच्छा ठीक है तो आप लोग बात कीजिए, मैं जरा नीचे हो क्या रहा। तुम भी यहीं बैठो। आज बच्चे आज। हम बोलो बेटा। अम्मा जी भैया जी के लिए ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आपकी तबीयत। फिर वही पाठ। बोलो बेटा। इस बार भैया जी कोई बहाना नहीं बना पाएंगे अम्मा जी। अरे इनके पास बहानों की कमी है क्या? अम्मा जी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, पहले वो तो पूरी करें और अब कह रहे हैं इस उम्र में लड़की कहाँ से मिलेगी। अम्मा जी लड़की एमए है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे घर की है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की 20 साल की है, हमारे भैया जी के लिए एकदम करेक्ट है। अब बोल मामा जी इतनी सारी खूबियां हैं तो अभी तक कुंवारी क्यों है, जैसे वो मेरे लिए ही बैठी थी। वाह राम प्रकाश। पिछले 12 साल से लड़की के विवाह का योग नहीं था। अच्छा? वर या वर की माँ के जीवन को संकट था। तो अब ये संकट तुम मेरे गले बांधना चाहते हो। वाह राम प्रकाश। नहीं तुम ना। नहीं भैया जी संकट की घड़ी समाप्त हो चुकी है, लड़की एकदम सेफ है। फिर तसल्ली के लिए ग्रहों की पूजा करा लेंगे। पर इनके दिमाग के लिए कौन सी पूजा करवाएं हम? प्यारी अम्मा ये राम प्रकाश आपको हर महीने कोई न कोई सुर्रा छोड़ देता है और आपको टॉपिक मिल जाता है। राम प्रकाश की कहां से कोई बात आ गई बेटा? मैं क्या कह रहा हूं? मामा जी ये क्या सोचता है? अम्मा क्या सोचती हैं? हम अपनी आत्मा की शांति के लिए कह रहे हैं। अरे इसकी भी तो बात सुन लो। राम प्रकाश मेरी बात सुन, आपको मैं ऐसे सुखी अच्छा नहीं लगता। हमें सुख मिलेगा? अरे तुम्हारे पिताजी को जाकर क्या जवाब देंगे हम? अरे भैया हमारी आत्मा की शांति तो इसी में है। बाबा पर मैं की आत्मा की शांति का क्या होगा? तो कोई क्या किसी की आत्मा की शांति के लिए अपना जीवन बर्बाद कर ले। गया पांव गोबर में। मेरा ये मानना है कि एक पल में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। मतलब ये नहीं था जो मिथिलेश, enough। मिथिलेश जी की जिंदगी अब क्या रुख लेती है चलिए देखते हैं। बहना प्लीज पहले रोना बंद करो। अच्छा अब बताओ तुम क्या चाहती हो? ये लड़की देखा है बस।
बस इतनी सी बात। पंडित लड़की दिखाओ। मामा जी लड़की यहाँ नहीं बरेली में है। कल शाम की बस से हम बरेली जा रहे हैं। कल मामा जी बहुत सारे काम है। कल शाम की बस से हम बरेली जा रहे हैं एंड दिस इज एन ऑर्डर। मामा जी देखिए एक बात तो साफ है, शादी तो मुझे करनी नहीं है, तो फिर इस बस में बैठकर खामखा रात भर कमर तुड़वाने पर क्यों तुले हुए हो? देखो बरकरदार, मुझे तुम्हारे बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। मामा जी देखिए मैं जो बात बोलना चाह रहा था। और वकील साहब बरेली जा रहे हो? हाँ। तो क्या इस बस में बैठकर जापान जाएंगे वकील साहब? अच्छा हुआ आपने वो सीताराम वाला केस निपटवा दिया, नहीं तो बेचारा अदालत के चक्कर लगा लगा के बिल्कुल तंग आ गया था। नहीं उन दोनों का मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दिया। वैसे भी आजकल कॉम्प्रोमाइज कराना ठीक रहता है मिथिलेश। आप तो इस बात में माहिर हैं। मामा जी एक बात बोलूं। मैं सोच रहा था कि लड़की की इतनी उम्र हो गई और अभी शादी नहीं हुई बेचारी की, और हम लोग वहाँ जाएंगे, वो लोग हमें रिसीव करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे, और हम लड़की देखेंगे और रिजेक्ट करके वापस आ जाएंगे। क्या हूँ, अरे लड़की के परिवार वालों पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा है आपको? देखो मिथिलेश, ये बीतने और बिताने की बात छोड़ो, ये सब होता है। आपको लड़की की शादी की चिंता का पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। देखो यहाँ मेरी टांगे तो फिट आ नहीं रही हैं। हाँ। तुम्हारी आ जाएंगी, तुम इस तरफ बैठो और मुझे उधर बैठने दो। अब ये क्या, उठो उठो जल्दी बस में, उठो उठो, आपके ना बीच झमेले रहते हैं, कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो। तो क्या करें? मामा जी आपके जोक और आप, बड़ा मजा आता है तुम्हारे साथ। ये तो रही गया, इसका क्या करें, इसको ले चलते हैं वापसी में काम आएगा। तो आप रख लीजिए इसको, लेकिन खाना अच्छा था मामा जी। अरे मामा जी एक बात बोलूं, एक काम करते हैं, दिन भर बरेली में घूमते हैं और शाम की बस पकड़ कर घर वापस आ जाते हैं। अम्मा भी खुश हो जाएंगी, लड़की के परिवार वाले भी खुश रहेंगे और हम तो खुश हैं ही। देखो मिथिलेश, जब सर ओखली में दिया है तो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ द मूसल? बट मामा जी लेट मी टेल यू, नहीं मेरी बात तो सुनो। देखो उनके घर से हमें कोई बस अड्डे पर लेने आ रहा है और अब हम वहां जाना तो अवॉइड नहीं कर सकते। रहा लड़की को रिजेक्ट करने का सवाल, तो ये मामला दो तरफा है। इससे पहले कि तुम लड़की को रिजेक्ट करो, वो तो मैं रिजेक्ट कर सकती हूं। वैसे भी आजकल लड़कियां बड़ी डिमांडिंग हो गई हैं, तो तुम ये सोचकर इजी हो जाओ कि हो सकता है तुम्हारे ना करने की नौबत आए ही ना, वो तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दे। चलो 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 आ जाओ। आपको लेने आए? अच्छा चलिए। जी जी मिथिलेश जी, ये है ना मिथिलेश जी, खड़े तो हैं। हेलो नमस्ते। हेलो रमेश वो लोग आ गए। नमस्कार किशोरीलाल जी। नमस्कार त्रिपाठी साहब। नमस्कार। ये सफर कैसा रहा? दीदी वो लोग आ गए, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। किशोरीलाल जी नमस्कार। आओ मिथिलेश। चलो मिथिलेश। नमस्कार। चलो चलो सागर बेटे, इनका सामान ऊपर ले जा। जीता जी। मिथिलेश तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, तैयारी तो बड़े जोर शोर की है। पूरे बरेली को मालूम है कि लखनऊ से कोई लड़की देखने आए। मामा जी आपने तो लाकर हमें फंसा ही दिया। देखो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाकर जरा एटमॉस्फेयर का मुआयना करके आता हूँ। तैयार हो जाओ।
पिया मिलन को जाना नमस्ते नमस्ते अगर ये तो बड़े सीधे साधे संभल के कहां था ये आई है ना चलो चाची संभल के हाउ आओ मिथिलेश बड़े बलबल के नहाए हो चमक रहे हो क्या मामा जी आप भी क्या बात है कोई नहीं ये कह रहे बड़ी भूख लगी है रात में इन्होंने खाना नहीं खाया ना अरे तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल तैयार है आओ ना बेटी रेनू यहाँ बैठो इनको प्लेट दीजिए और किशोरी लाल जी आप भी शुरू ये लीजिए पुष्पा थोड़ा सॉस लीजिए ना मामा जी आप थोड़ा सा और लीजिए ना बहुत टेस्टी एक एक करके इडली लीजिए ना मामा जी जरा ये टेस्ट करके देखिए थोड़ा सा अरे प्लीज मत लीजिए सॉस लेंगे या चटनी जी बस थोड़े से छोले नहीं छोले नहीं जूस लीजिए एकदम फ्रेश है और लीजिए ना खाया नहीं जा वाह त्रिपाठी साहब मजा आ गया आपने तो समा बांध दिया मैंने ऐसा सांबर कहीं नहीं खाया नो वे अरे अरे आप तो किशोरी लाल जी बस यूं ही ये तो कुछ भी नहीं था अच्छा ये बताइए आप लोग आराम करना पसंद करेंगे भाई मैं तो न्यूज़ देखूंगा मिथिलेश तुम थोड़ी देर आराम कर लो यू लुक टायर्ड हाँ तो आप आराम कीजिए सागर बेटे इनको ऊपर ले जाओ आइए जी आइए लाओ चाची आप मेरे साथ चलिए आइए ओ मिथिलेश उठो भाई अब उठो ना क्या हुआ चलो भाई नीचे सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले तो ठूस के खाया था क्या खाना नवाब साहब ये सिलसिला तो इवनिंग टी तक चलने वाला है अभी तो सिर्फ शुरुआत है मामा जी ये इवनिंग टी तक रुकने की क्या जरूरत है अभी लंच में लड़की का देखना दिखाना निपटाते हैं और चलते हैं यहाँ से ठीक है आई एग्री विद यू मैं नीचे जाकर बात करता हूँ लेकिन तब तक तुम तैयार तो हो जाओ उठो अजी साहब अब तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है मेडिकल कॉलेज है और शहर काफी डेवलप हो गया आप पिछली बार लखनऊ कब आए थे हम लोगों को भी लखनऊ गए हुए तकरीबन 3 साल तो हो गए होंगे जी हमारे वहाँ एक रिश्तेदार रहते हैं अलीगंज में वैरास मंदिर से राइट टर्न करिए ना तो वहीं पे यू नो ही इज वेरी पॉपुलर इन द यूनिवर्सिटी ही इज अ सेल्फ मेड मैन मिथिलेश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करता है उसे किताबों से बहुत प्यार है उसको बहुत जब से उसके पिताजी गुजरे सारे खानदान का जिम्मा उसने अपने ऊपर और बड़ी बेखूबी निभाया लीजिए वीना भी आ गई आओ बेटे आओ आओ किशोरी लाल जी ये है मेरी मंझली बेटी वीना आप हैं मिथिलेश जी के मामा किशोरी आइए आइए हम सब चलो बैठो बेटी तुमसे काफी लंबी है बहुत अच्छी बनी है खा पाएंगे है ना मेरी प्लेट में ये नहीं पहले ही है आप भी तो लीजिए त्रिपाठी जी हमें ही खिलाते रहेंगे सैलेड लीजिए ना वाह क्या बात बहुत ही अच्छा है दाल बाटी ये तो आटे का लड्डू लगता है बेटी इसे खाते कैसे हैं ये तो बता दो लाइए मैं बताती हूँ इसको ना कोशिश करनी ऐसे नहीं बनती है मीर के इसका चूरमा बना लीजिए बहुत सारी दाल डालनी है ऐसे डालिए अभी इसके ऊपर ढेर सारा घी डालिए बड़े व्यवहारिक लोग हैं और खातिरदारी में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और लड़की भी देख ली हमने
लेकिन वो वापिस आने के बारे में पूछना तो भूल ही गया मैं। तुम रुको, मैं पूछ रहा। मामा जी, अब क्या है? अब आ ही गए हैं तो चाय तक रुक ही जाते हैं। ऐसे निकल जाना भी तो वीना को रिजेक्ट करना ही हुआ ना। वीना कितना अच्छा नाम है, तुम अभी तक वही सोच रहे हो? रात को कितना समझाया था मैंने। चलो देखो, तुम खामखा की टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे ना करने की नौबत नहीं आने वाली है। और सुनो, कौन सी लड़की अपने से नाटापति चाहेगी? बरखुरदार, अब तुम आराम कर लो, क्योंकि खाने के बाद आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना खुजली होने पर। तुम्हारे ना करने की नौबत नहीं आने वाली है, कौन सी लड़की अपने से नाटापति चाहेगी? हेलो, मेरी चाय पीने बैठ गए। कितनी देर हो गई दीदी, अभी तक कोई बात ही नहीं कर रहा है। और नहीं तो क्या, अब तक तो चाय भी ठंडी हो गई होगी। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी। मैं एक्चुअली मैं चाय ठंडी ही पीता हूँ। आपको मुझसे कुछ पूछना है? आपको खाना बनाना आता है? खाना बनाना आता है, लेकिन रोटियां गोल नहीं बन पाती हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा आप मुझसे ऐसा कुछ पूछेंगे। मैं क्या पूछूं? आप एमए हैं? जी हाँ, हिस्ट्री में, लेकिन अब मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता का भाव एक्चुअली टॉकिंग है? नहीं नहीं दीदी, बात कर रहा है लड़की से। कितना निराला रिश्ता है चिड़िया का पेड़ से, जिसे वो अपना समझता है और जिसके सहारे वो हर बार अपने को एक नए सिरे से पहचानता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मैंने इनकी सारी कहानियां भी पढ़ी हैं, और हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हों, निराला जी हों, प्रेमचंद जी हों, हरिशंकर प्रसाद जी हों, सबके संस्करण बड़े सिस्टमेटिक। यू नो शी इज वेरी चूजी, वीना दी का कुछ पता नहीं चलता। ये तो है। उसे कैप्टन मत बनाइए, उसे क्रिकेटर की तरह खेलने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता ना, 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 ना। आप कुछ भी कहिए, मेरा फेवरेट तो गांगुली है, रॉयल बंगाल टाइगर। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम से पुकार लीजिए, लेकिन कर्म जरूरी है। और कर्म के हिसाब से सचिन तेंदुलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, क्योंकि जैसे जैसे सचिन। अरे क्या कह रहे हो किशोरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता यह नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, क्या हुआ? कुछ नेटवर्क की बात कह रहा था। उस दिन से मैं रेनू की शादी का वेट कर रही थी, रेनू गई और पूरा कमरा मेरा हो गया। काइनेटिक भी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे अपनी शादी का ख्याल कभी दिमाग में आया ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो हमें एक बात कॉमन है। क्या? शादी के बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा,
मैं तो यहाँ आने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मामा जी जी मेरा जी मेरा मतलब था, सुबह से तो बहुत चुप चुप थे और इस वक्त देखो ऐसा लगता है जैसे कितनी पुरानी दोस्ती है। एक बात कहूं वीना जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहूंगा जी। मेरा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि आप मुझे अपना पता दे दीजिएगा तो आपको चिट्ठी लिखा करूंगा। अगर कभी आपका लखनऊ आना हुआ तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाना चाहूंगा। बात कर रही थी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चलो भाभी का अंदर चलो, देखो कितना मजा आ रहा है इन लोगों को। क्या बात है, मुझे भी बताइए। बस अब बहुत हो गया, चलो अंदर, अरे ठंड लग जाएगी। चलो चलो आओ, चलो बहुत हो गया, चलो बच्चों अंदर चलो, चलो देश। बोलो ना, बोलो, बताओ क्या हुआ? Excuse me? आओ ना। वो आपसे बस दो मिनट बात करने थे। अरे जाओ। जाओ ना। ये मेरा एड्रेस है और इसमें मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। आपसे पहले मेरे लिए और भी दो रिश्ते आए थे, उन्होंने मुझे देखते ही हाँ कर दी। कभी पूछा नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। आज आपने वो दोस्ती की बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपसे एक और बात कहनी है। जी बोलिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आज मैंने दिल से बादलों से मिलके आज मैंने दिल से बादलों से वीना जी सपनों की बारिश से कलियां सजा के महकी उमंगों से खुशबू चुरा के हल्की सी बूंदों में लहरों के गुंजों में गुम हो जाना रे डूब जाना रे मुझको डूब जाना रे तेरे पास आना रे मुझको डूब जाना रे
था लेकिन लाइन नहीं मिल पाई। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे नहीं, मैं नहीं किया। आसमान की तरफ देखिए, चांद बहुत खूबसूरत है। चलते चलते बता तो सही क्या हुआ। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं ऐसे खड़ी हुई थी यहाँ पे, फिर दिल पे हाथ आया ऐसे, उन्होंने कहा आपसे। अरे आराम से चलिए, आराम से। क्या बाबू, क्या बात है छोटे बाबू, बस सब ऐसे ही। अब सुहाना रे, धड़कने भी साथ मेरे गुनगुनाती रे। अरे भैया जी, आप तो बिल्कुल आराम से चलाओ। छोड़ो ना जाता वाला। अब सुहाना रे, धड़कने भी साथ मेरे गुनगुनाती रे। मिथिलेश और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ जरा बस थोड़ा सा यूँ ही रुक। आई आई डूब जाना रे मुझको। हाँ मामा जी, तेरे पास आना रे मुझको। डूब जाना रे मुझको। इच्छा शंकर, तुम फूल ले जाओ और मंडप के पास रख दो, ठीक है? अम्मा से बोलो रुकी वाली मौसी जी 2 मिनट के लिए अलग से कुछ बात करना चाहती है। जी भैया जी। ये ले दीदी, भैया जी को देखा कितने खुश नजर आ रहे हैं। अरे देर आए दुरुस्त है, कुछ भी कह ले लड़की है बड़ी सुंदर, लेकिन थोड़ी सी लंबी ज्यादा नहीं है तो? भैया जी कितने नाटे लगते हैं उनके सामने, पता नहीं भाभी ने कैसे पसंद कर लिया। चुप कर, एक बात कहूँ क्या? मुझे तो लगता है लंगूर के हाथों होर लग गई। अरे भैया जी तुझे लंगूर नजर आते हैं, चल अपना काम कर, कुछ भी बोलती रहती है। अरे मेरे छोटे बाबू, आराम से। वेरी गुड छोटे बाबू, मतलब सबे कपल मीठा होता है, हमने सुना था, लेकिन इतना मीठा होता है, हम और इंतजार करने के लिए तैयार। अच्छा अच्छा, तुम वीना से मिले हो? नहीं। चलो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता। अरे आप रुकिए ना, आप क्या मिलवाएंगे, हम खुद मिलकर आते हैं। अरे बरेली नहीं कटवाए जी? हां वो आदाब, आदम को सलीम कहते हैं। ये भैया जी के दोस्त हैं। अरे दोस्त क्या मतलब, भाई हमारे, अब इन्होंने तो इंट्रोड्यूस कराया नहीं आखिर। अरे भाई मैंने तो आपसे अभी बोला था, ये हमारे यहाँ हॉकी टीम के कोच हैं और बड़े नटखट किस्म के इंसान हैं। वैसे सही बताएं, बरेली ना आने का बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे आप जैसे कोई हमें भी मिल जाती वहाँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना एक फोटो दे दीजिए हमें। भाई अम्मी को दिखाएंगे, उनसे कहेंगे कि इनकी एक फोटोकॉपी हमें लाके दे दे, क्योंकि ये तो बुक हो गई आपके साथ। नहीं सुधरोगे भैया जी, अम्मा जी बुला रही हैं। हाँ चलो चलो वीना। नहीं नहीं, आपको बुलाया है। अच्छा चलो मैं आता हूँ, ठीक है आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ अभी जी। और कैसी हैं आप? बस अच्छा एक बात बताइए, वो फेमस झुमका नहीं आपके पास बरेली वाला? पहली बार गए बरेली तो अपनी सेटिंग करके लौटे, घर देखेगा बोरा। आइए आपको आपका घर भी दिखाए, आपके इंतजार में नजरें दिखाए खड़े वहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहिए अंदर चलिए। ये है तो बुढ़ापे में ले जाता हूँ। यो छिटा छिटा क्या चलते थे। आपसे मिलने के बाद ऐसे तेवर बदले पुर।
रुवाई बहने लगी जिंदगी मिलके। कैसे मैं छोटे बाबू कब से इंतजार कर रहा था आप लोगों का। अरे आपके जिंदगी भर का सामान लेकर आ रहे छोटे बाबू। लाइए 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 कुछ दीजिए आपकी होने वाली बीवी को लेकर आए। तो चलो उन लोगों के लिए उधार रहा आप गवाए चलो उधार रहा ये स्वागत है आपका। क्या कर रहे थे आप? आपका इंतजार। पता है बहुत जल्द ये काम मेरा होगा। आप ऐसे ही आते होंगे और मैं करूंगी आपका इंतजार। अभी तो अंदर चलिए। आइए फोटो खींचनी है क्विक आपकी और भैया फोटो खिंचवानी है और बैठो ना बैठ जा बैठ भी बैठ जाओ बस। कौन सा पोज चाहिए आपको अपनी फोटो के लिए? हां हां लाइए देखिए ये पल्लू ऐसे। हां ठीक है बहुत अच्छी लग रही हो नीतू। छत के उस तरफ से व्यू बहुत अच्छा है। हां दूसरा उधर खड़ी होकर फोटो खींचो। सुनो मुझे भी एक कॉपी दे देना। मैं बोलती हूं ना बाल ठीक करो ना दीदी अच्छे से खिंचवाना फोटो। हां तुम सीरियस मत रहना। ये बहुत अच्छा किया सर। ऐसे फोटो खिंचवाने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी खिंचवाऊंगी तुम्हारे साथ पहले तुम दोनों के तो हो जाए। दीदी अच्छे से मुस्कुरा के। हाँ अरे बाल सुनिए ना हाँ? मुझे ऐसा फोटो नहीं खिंचवाना है। तो कैसे? हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे हाँ? और उनको बोलेंगे फोटो खींचने के लिए ठीक है ना? हाँ, ये बात सही है। ये अच्छा रहेगा। आप दोनों बातें रख दो ये फोटोग्राफ्स। बिल्कुल सही भी ना। दीदी अच्छे से मुस्कुरा के चलिए भैया इधर खींचिए सामने देखो ना बहुत अच्छा लग रहा है ये। बादलों से दिल का रिश्ता है पुराना रे है सफर अनजान लेकिन आजमाना रे। हो बादलों से दिल का रिश्ता है पुराना रे है सफर अनजान लेकिन आजमाना रे। मैंने न सोचा न समझा न चाहा रुकते कदम फिर भी ऐसे क्यों चाहे हल्की सी बूंदों में लहरों के गूंजों में गुम हो जाना रे डूब जाना रे मुझको डूब जाना रे तेरे पास आना रे मुझको डूब जाना रे। आज मैंने दिल से अरे इसे यहाँ से थोड़ा उठाओ ना दिलों से हाँ ऐसे मिलके सपनों की बारिश से कलियां सजाके महकियों मंगों से खुशबू चुराके हल्की सी गुनों में लहरों की गूंजों में गुम जाना रे डूब जाना रे मुझको डूब जाना रे इस तरफ नहीं इस तरफ सुनाना रे मुझको डूब जाना रे हे डूब जाना रे मुझको डूब जाना रे तेरे पास आना रे मुझको गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैं लेती हूँ अरे मैं लेके आता हूँ ना अरे मैं हूँ ना आप ये 33 नंबर हाँ 33 नंबर यही है। ओ, तो आप भाभी जी हैं? हाँ। अरे भाभी जी प्रणाम 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 भाभी। हाँ हमें पता चला तो था कि छोटे बाबू शादी करने वाले हैं।
अरे ये बहुत अच्छा हुआ छोटे बाबू ने शादी कर ली। हम भाभी जी 2 साल से दूध दे रहे हैं और यही सोचते थे कि छोटे बाबू शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। रोज आपसे मुलाकात होगी, अब तो छोटे बाबू को दूध बढ़वाना पड़ेगा। भाभी जी शादी की मिठाई तो जरूर खाएंगे, मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई? राम राम छोटे बाबू। राम राम। बधाई हो, बहुत अच्छी भाभी जी लाए हैं आप। अभी अभी मैं भाभी से मुंह मीठा करवाने की बात कर रहा था, अब तो रोज भाभी जी से मुलाकात होगी, आपसे तो होगी नहीं। छोटे बाबू अब तो दूध बढ़वाइएगा, कल से मैं 1 लीटर दूध देकर जाया करूंगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। राम राम छोटे बाबू। वैसे ही अच्छा लग गया ना? हाँ तो मैं पिकअप। अरे छोटे बाबू। अरे नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए आइए ना। कहाँ जा रहे सुबह सुबह? अम्मा के यहाँ जरा छोड़ने जा रहा था इन्हें। ये मेरी मिसेज वीना और ये मिसेज दे, हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हम तो घर गए हुए थे कोलकाता, तो आपका शादी जी। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको लखनऊ? बहुत अच्छा लगा कि छोटे बाबू ने शादी कर ली। जी जी, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। आप आइएगा हमारे घर छोटे बाबू, इनवाइट कर रही हूँ आपको। हाँ जरूर आइएगा। अच्छा नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आइए इधर से चलते हैं। स्कूटर चौराहे से विक्रम पकड़ लेते हैं, स्कूटर चलते चलते रुक जाता है। अच्छा। लखनऊ में पहली बार आज विक्रम से चलोगे, बहुत मजा आएगा। ये तो भरा हुआ है, तो क्या करें। अरे क्या हाल है? स्कूटर क्या हुआ आपका? स्कूटर खराब हो गया। तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, बताइए कहाँ चलना है। अम्मा जी के यहाँ। चलो वीना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे क्या छोटे बाबू आपने शादी कर ली, बताया तक नहीं। अरे भैया सब बहुत जल्दबाजी में हो गया। इनकी दूसरी सवारी है? अरे सवारी की क्या जरूरत है, जब छोटे बाबू आ गए तो सवारी की कोई जरूरत नहीं। अरे अपनी तो घर जैसी बात है, आप बैठिए। बहुत प्यारा बंदा है, बहुत सम्मान करता है। मैंने बोला था आप छोटे बाबू नया बाजा लगवाया है, सुनिएगा ना। ऐसा करिए बंद ही कर दीजिए। हाँ अब ठीक है, गाना लगाया है। छोटे बाबू आपने शादी कर ली, बहुत अच्छा। भी अच्छी भाभी जी मिली है आपको? अब मिली है से क्या मतलब है तुम्हारा, ब्याह कर लाए हैं भाई। जी मिली है। अच्छा पिछली बार हम दूसरे पुल से आए थे ना? हाँ हाँ। नहीं वैसे और कितने पुल हैं यहाँ? नहीं बेसिकली जो ओल्ड लखनऊ है ना उसके उस पुल है भाभी जी, 6 पुल। पिछली बार आप निशादगंज के पुल से आई होंगी, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। वैसे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको कहीं भी जाना हो तो नुक्कड़ पे आ जाइए और हुसैन को पूछ लीजिए, बस गाड़ी नंबर 8319 याद रखिएगा भाभी जी। बहुत अच्छा आदमी, जरा आगे देख के चलाओ। कमाल है छोटे बाबू, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, चला तो ये रहा है, आप भी मजाक करते हैं। जल्दी करो देर हो रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप यूनिवर्सिटी में उतर जाइए, मैं चली जाऊंगी अम्मा जी के वहाँ। भाभी जी हाँ हम ले चलते हैं आपको, चलिए हम छोड़ देंगे जहाँ भी जाना होगा। एक काम करो हा? तुम भी यूनिवर्सिटी चलो ना, यूनिवर्सिटी घूम लो अभी। हाँ अच्छा। ठीक है ना, चलो भाई यूनिवर्सिटी ले लो। आ जाओ वीना, आ गई हो तो लाइब्रेरी देख ही लो। हाँ। देख लीजिए देख लीजिए, जब तक मैं चाय पी लेता। नहीं नहीं आप इंतजार मत करिएगा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप चले जाएंगे। मुझे तो चाय पीनी है, चलो चाय पी। चलो बहुत बड़ा होगा ना कैंपस? अरे बहुत बड़ा है, वैसे तो गाड़ी अंदर तक जाती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खूबसूरत है ना यूनिवर्सिटी? यहाँ ये सब सलीम का ग्राउंड है, सलीम यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं। नाइस आर्किटेक्चर। अरे वाह इतना अच्छा प्लेग्राउंड, ना बड़ा। उधर सामने कैंटीन है। अरे देख देख। अच्छा अरे वो हाँ, लाइब्रेरी जो मुझे तो आज याद आया। हा? मेरी तो डीन साहब के साथ मीटिंग है, मैं तो भूल ही गया था, तुम अभी चली जाओ। क्या अभी अभी आपने बोला तो? नहीं नहीं तुम अभी चली जाओ, मैं तुम्हें शाम को पिकअप कर लूंगा, लाइब्रेरी फिर किसी दिन देख लेंगे। आओ तो आओ तो। अभी आए थे अभी तो नहीं दिखाई, फिर कब दिखाएंगे? थोड़ा और बहुत ज्यादा है छोटे बाबू। हाँ बस। अरे छोटे बाबू गिर जाओगे, देखिए टांगों के हिसाब से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। चाय नहीं चाहिए बेटा, ले जा।
पैर नहीं पहुंचेगा, बताए देता हूँ छोटे बाबू। शुक्ला जी बोला करिए, अच्छा लगता है। अरे आप बिल्कुल सही कहा था, मैंने कहा था ना अशर्त लगा ले, यही बात है। अच्छा लगता है ये सब? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नहीं, किसी के घर के सामने हाथों से इशारेबाजियां करते हुए मैं क्या कह रहा हूं भाई, ऊपर देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सारी पतंगे तुम्हें इधर ही दिखती हैं, यहां बैठे हैं, यहां उड़ रही हैं। लखनऊ में और कोई, लखनऊ में और कोई प्लेस नहीं है? और भी तो जगह उड़ती हैं पतंगे कि तुम्हें यही प्लेस मिला है जो ऐसे हाथों से इशारेबाजियां करते हो? नहीं मतलब मत पूछो, मतलब मत पूछो, जितना तुम लोग पढ़ रहे हो उतना भूल चुके हुए। तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है क्या? है देर हो गई। अरे क्या हुआ, गिर गए? चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं। क्या हुआ? दरवाजा बंद कर दो। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं। किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? किसी ने मारा आपको? अरे मारेगा कौन मुझे, गिर पड़े। गिर पड़े? जरूर स्कूटर पे से गिर पड़े होंगे। अरे पता नहीं आजकल क्या सोचते रहते हैं आप। अरे ये टू व्हीलर्स पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। अरे कभी वो बंद पड़ जाता है, कभी आप उस पर से गिर जाते हैं। कब से कह रही हूं गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। कभी मेरी बात भी मान लिया करो, अब तुम अकेले नहीं हो, सुना आपने? अरे हाँ ले लेंगे बाबा। ले लेंगे नहीं, लेनी पड़ेगी। सभी बैंक में आसानी से लोन मिल जाता है, अब हम गाड़ी खरीदेंगे बस। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप सुनती कहाँ हैं, आप तो सिर्फ सुनाती हैं। हर वक्त मजाक। I'm sorry। कोई प्रॉब्लम नहीं। I'm so sorry। ओके नो प्रॉब्लम। मैं गीजर ऑन करती हूँ, आप नहा लीजिए। अरे नहीं नहीं, एक भी टमाटर नहीं है घर में। वाला है ना, मैं शुरू क्या हुआ? रविड और गांगुली तो वैसे भी बाद में ही आई हैं। हमारी बॉलिंग शुरू हो गई थी। आइए बीबी जी। अब तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्या तोल दूं बीबी जी, टमाटर कैसे दिए भैया? अरे बीबी जी क्या आप पूछ रही हैं, इतने दिनों बाद तो आई हैं आप। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं पहले भाव बताओ, तुम बहुत ज्यादा लगाते हो। क्या बीवी जी, आपसे कभी गलत दाम लिए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम पहले भाव बताओ, तुम हमेशा ऐसे करते हो। दो किलो तोल देता हूँ बिल्कुल ताजे टमाटर। सुनो मैं 8 रुपए से ज्यादा एक पैसा भी नहीं दूंगी। अरे बीवी जी छोड़िए सब बताइए। अरे आप भाव बता दीजिए, कोई समस्या तो नहीं है ना आपको? वो बीवी जी दे देंगी, वो हम खुशी से ले लेंगे बस। खुशी से क्यों ले लेंगे बताइए ना, खुशी से क्यों ले लेंगे? आप 4 पैसे कमाने के लिए सब्जी लाते हैं ना, आप कस्टमर को पहले भाव बताइए उसके बाद में तोला नापी शुरू कीजिए। पैसे भी नहीं तय किए, कुछ भी नहीं किया और आप तोलना शुरू कर देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जाने दीजिए, आप पहले कस्टमर से पूछिए, आप किसी पे एहसान कर रहे हैं क्या? अरे आप पहले पैसे अपने तय कीजिए उसके। चलिए 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 चलिए। सुनिए, अरे बीबी जी क्या घर में एक भी टमाटर नहीं है?
ये लोग सब्जी में पानी मार मार के खाम खाम बेवकूफ बनाते हैं। वाह, मैं रोज खरीदती हूँ। मैं इससे अच्छे और सस्ते टमाटर ला के दूंगा आपको। पानी आपको क्या? अरे मैं सच कहता हूँ, आज पहली बार तुम्हारे साथ आराम से पूरे दिन बैठ के मैच देखेंगे। मैच शुरू हो गया ना। आज मैं पनीर के पकौड़े बनाऊंगी। अच्छा, अच्छे लगते हैं ना आपको? बस भैया, बस बस बस। हेलो, अरे सलीम, यहाँ पे 15 मिनट निकल चुके हैं पहले के यार। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो तुम उतरो, हम पैसे दे देते हैं। वीना जी, बैठो बैठो, तुम बैठो। अरे आप बैठिए ना, हम रख के आते हैं। मैं रखता हूँ ना, तुम बैठो तो। पोजीशन तो देखो, क्या पोजीशन है मैच की, जल्दी से लगाओ मैच। लोगों की होगी, आपने आने में बहुत देर लगा दी। ये देखिए, हो गया कल्याण, जवाब की विकेट कहाँ से आ गया ये? अब हमारे मैच के प्रोग्राम का क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको भगा के आता हूँ। अरे क्या बात करें आप, क्या भगा के आता हूँ? अभी आ गए तो रहने दो ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। रहने भी दीजिए ना, इट्स ओके। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सुनो, जाओ, आ रही हूँ। गुड मैच देखने का मजा जो आपके यहाँ पे छोटे बाबू, और कहीं नहीं। कसम खा के कह रहे हैं, आपकी शादी हुई, हमें टेंशन हो गया था, हमें लगा बस अब तो आपके घर में एंट्री मिलेगी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो सलीम, ये तो अपना ही घर है। अरे मैं क्या, फैंटास्टिक, चल 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 चल, दैट्स इट। अरे जलेबी खाइए ना तुम लोग। अरे खाइए, बहुत है, बहुत लेकर आए। नहीं नहीं, पहले तुम लोग। अरे यार, हाँ, ओह माय गॉड, पांव निकाल के खेल बेटा, पांव निकाल के खेल, थोड़ा नीचा है विकेट, पांव निकाल के खेल। शाबाश शाबाश, चल। नहीं, लेकिन मुझे देखने की बहुत इच्छा है। अरे तो बताना चाहिए था ना, लखनऊ में अगले थर्सडे को मैच है। रियली? फ्री पासेस मिलते हैं? तो फिर चलेंगे। कहाँ धक्कम धुक्की, स्टेडियम से टीवी में कहीं ज्यादा मजा आता है। आप जो भी बोलिए, मुझे तो सौरभ को देखना है। सौरभ को देखना? हाँ, सौरभ को देखना है। पवेलियन से लगी हुई सीटें होंगी, आप चाहे तो हाथ में ला लेना उससे। सच? मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, वहाँ एक्शन रिप्ले वगैरह कैसे देखोगे? अरे टीवी में सब डिटेल में देखने मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, बॉक्सेस में टेलीविजन सेट लगे होते हैं। अब तय, हम लोग तो देखने जा रहे हैं, आप घर में बैठ के डिटेल में देखिएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, डन। बहुत मजा आएगा। ये क्या हो रहा है बाबा, मन में अजीब अजीब से ख्याल क्यों आते रहते हैं? अब देखिए ना, जो भी बीना को पहली बार देखता है तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लड़की कभी पहले देखी नहीं। यहां वहां जाते हुए, घर में, स्कूटर पे, लाइब्रेरी में, हर वक्त दिमाग इन्हीं बातों में लगा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सलीम, सलीम के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे हैं? दोस्त है मेरा, पर हरकतें भी तो ऐसी करता है, आपको तो मालूम है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीना से ये सब बातें कैसे करूं, उसको कुछ बता भी तो नहीं सकता। समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई उपाय तो करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से हम सीधे प्रियंका के घर चलते हैं। अच्छा हो गया ना, आज जरा जल्दी आ गए। हाँ। इसी बहाने कैफे कॉफी डे में आना तो हुआ। वैसे कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है। अरे ये तो कमाल की चीज लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। आओ, आप हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। कुछ दिनों से मुझे लग रहा है आप कुछ टेंशन में हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम बढ़ जाता है इसलिए ऐसा लगता है। वैसे आपके मन में जो भी है वो बता देना चाहिए, इससे खुद का ही नहीं आपके आसपास रहने वालों का मन भी हल्का हो जाता है। ये बात तो है, बात तो है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपके मन में जो भी है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए। अरे तो मैंने कुछ छुपाया है आपसे?
पता नहीं। आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? तो फिर बताइए, अभी अभी आप क्या सोच रहे थे? अभी क्या सोच रहे थे? अभी क्या सोच रहा था? हाँ, अभी क्या सोच रहे थे? कुछ तो सोच रहे थे आप, बोलिए। अभी जो सोच रहा था। अब भी बताइए। ये तो लीजिए। पहले आप बताइए। एक्चुअली मैं सलीम के बारे में सोच रहा था। सलीम के बारे में? क्या? हर साल जब रक्षाबंधन आता है तो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? बेचारे की बहन नहीं है ना। अच्छा, आपकी उससे बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप उसको राखी बांध दें तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और धागे का रिश्ता भी बन जाएगा। क्या सलीम बहुत लकी है? क्यों? आप जैसा दोस्त जो मिला उनको। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं असल में सोच रहा था। मैं कह रहा था कि आप तो सोच रहे हैं, आपके चेहरे पे लिखा है कि आपको सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं वीना के बारे में सोच रहा था। क्या? उसके कोई भाई नहीं है ना? तुम्हारी उससे बहुत अच्छी बनती है, घर भी आते जाते रहते हो, तो अगर तुम उससे राखी बंधवाओगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अरे कमाल करते, कमाल करते छोटे बाबू, आपने पहले क्यों नहीं कही ये बात? अरे उन्हें पहले वीना जी कहते थे, वीना जी कहेंगे। अरे हमने उससे पहले कहा था, तुम खामखा परेशान होती हो, सलीम तुम्हारे भाई से कम है क्या? और नहीं तो क्या? तो तुम आ जाना रक्षाबंधन दिन की, टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो तुम काम करो, हम चलते हैं। हाँ छोटे बाबू, मूंगफली खाओगे? और चलो राम चंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। ये भैया सुनो, ये क्या गाना लगाया? जी साहब, कोई दूसरा चैनल लगाओ, बढ़िया गाना सुनाओ, जाओ जाओ। सिया ने पूछा, जमाना हमसे है या जमाने से है हम, ये जमाना हमसे है या जमाने से है हम, आज हो जाएगा फैसला। जल्दी बांध दिए, जल्दी बांध दिए इसे। छोटे बाबू, अब तो हम साले हो गए आपके। ये जमाना हमसे है या जमाने से हम, आज हो जाएगा फैसला, आज हो जाएगा फैसला। तो ये तुम्हारे सारे पैसे हैं और कल से दूध मत लाना। लेकिन क्यों भैया जी? नहीं, तुम्हारे दूध में फैट बहुत ज्यादा है, इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन मलाई तो सेहत के लिए अच्छी होती है ना भैया जी, उससे मक्खन बनता है, घी निकलता है। भैया इन्हीं सब चीजों से तो परहेज करना है ना, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो बिल्डिंग में तो आते ही हो, तो बता दूंगा। ठीक है, बाय। ये देखो टोन मिल्क, डबल टोन, जो चाहो ले लो, फ्रेश क्रीम भी है, सही है ना? यहाँ हम सा कहाँ, जब हम चले रुक कैसे भी ना रुके, ओ दुनिया जले आए भरे परवा किसे, हम अपनी धुन में रहे। अरे बाल बचा के, हम भी मानेंगे नहीं।
पहली बार मैंने लगा दीपावली रोज हम बदलेंगे पैतरा 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 ये आप क्या क्या बनाती रहती हैं? अरे, अरे बाहर बाहर मैंने कितनी दफा आपको बोला कि किचन में मत आना. नो इट्स माय डिपार्टमेंट. मैं रख देती हूँ प्लेट. मैं रख देता हूँ ना. ठीक है जाओ. प्लेट किसको रखनी है? मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे बार बार रोकें. ठीक है तो फिर आज यूनिवर्सिटी मत जाओ. यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा. ठीक है मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगा. ओके ठीक है जाना. अब चलता हूँ. अरे सुनो. हाँ? पनीर बनाया है खा लेना टाइम पे. तो मैं जाऊँ? हाँ यहाँ आइए ना प्लीज. क्या बात है? ओके बाय. हाँ हाँ ठीक है. एक्सक्यूज मी आज का अखबार. इज दैट यू? तुम? यस. इज दैट यू? गॉश बीना इज दैट यू? ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस. यू लुक सो डिफरेंट. मुझे क्या मतलब तुम वो रिलीज का भाई लंबी कहानी है. कोई आया मतलब ये है मेरे हस्बैंड मिथिलेश और ये है आकाश. So you're the lucky man, huh? I'm Akash. I'm Mithilesh. और ये है बीना द गोल कप. इतनी मोटी थी लेकिन आकाश बहुत पीटूंगा तुम्हें. बहुत पीटूंगी मैं. नाम ये देखो कैसे बोलता जा रहा है. देखो ना बोले ऐसे कुछ. सच में बार के लिए आता हूं. ऐसे भी कोई सरप्राइज करता है. देखो देखो मुझे कभी लगा नहीं था. अरे बस अरे बस जान ही निकल गई इसको देख करके. इतने सालों बाद तो दिल वाले दुल्हनिया ले ही गए हैं? नहीं बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया. क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं. लो आकाश पानी. थैंक यू. और क्या लेंगे मैडम? चाय कॉफी? आकाश तुम बिल्कुल नहीं बदले. वैसे क्यों ऐसे ही हो? अच्छा शुरू से ऐसे हैं? ऐसे ही नॉटी. बिल्कुल बदनाम कर रही है. आइए ना बैठिए. अच्छा आप क्या कर रहे हैं? बैठिए. देखो देखो इसको. लेकिन हम आपसे बहुत नाराज है. क्यों? आपने शादी कर ली हमको बुलाया तक नहीं. बुलाया तक नहीं? इतने सालों से ना कोई पता ना कोई ठिकाना. हाँ पकड़े गए ना आकाश. हाँ ये बताओ सामने के फ्लैट में कैसे आना हुआ? बस आ गए. आपके पड़ोसी बनने की आदत जो है. बताओ ना बाबा. कंपनी की तरफ से आया हूँ. लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम है. यूनिवर्सिटी में? अरे ये भी तो है यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में. जी मिथिलेश शुक्ला जी. आपके साथ हमारी कंपनी की करेस्पॉन्डेंस चल रही है विद्युत सॉल्यूशंस. अच्छा अच्छा जी. ये तो घर की बात होगी. हम भी इनको पहले से जानते हैं ऐसी बात अच्छा, नहीं अच्छा। लाइब्रेरी से पहले घर में मुलाकात हो गई. अच्छा ये चाय वाय पिलाने का इरादा है या नहीं? सोचती हूँ. मैं दिन भर हंसता रहूँगा. अच्छा मैं तो यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ. आपका क्या प्रोग्राम है? आफ्टरनून दोपहर तक एकदम कूल नो वर्क.
पीना तुम एकदम बदल गई हो, चाय ना पिलाओ यार। पिला रही हूं ना बाबा। मुझे तो जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज नो फॉर्मेलिटीज, तब तक मैं ये गोलगप्पे से कप पियाता हूं। अब बैठिए बातें कीजिए। ओके मिथिलेश बाय। छोटे बाबू ये किताबों की लिस्ट दो बार चेक कर चुका हूँ। ये किताबों की लिस्ट दो बार चेक कर चुका हूँ। एक बार और चेक कर लीजिए मिश्रा जी, कर लीजिए। जी क्या बात है छोटे बाबू, आज कुछ परेशान लग रहे हैं? मिश्रा जी कोई परेशानी नहीं है, आप काम करिए प्लीज प्लीज। जी हेलो। हाँ बोलो। बैंक गई थी बताया था ना। अच्छा वहाँ मिसेस गुप्ता मिली थी और सुनो बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी, कह रही थी आप तो कह रहे थे आपकी कोई सहेली नहीं है, पहले कभी बताया नहीं, क्या बात है। अच्छा वो सब छोड़िए, सुनिए ना आज शाम को इफ्ता का नाटक है, चलिएगा क्या? मुझे नहीं देखना आपका नाटक वाटक। मैं कितने दिनों से कह रही हूँ एक फिल्म दिखाओ, इस संडे हम लोग फिल्म देखने जाएंगे बस। ठीक है हम इस बार जरूर चलेंगे। भाभी जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। एक मिनट आप चेक करिए। हाँ मैं जरा बाहर आ रहा हूँ। अच्छा सुनो आकाश मिला था क्या, फिर से आए थे? ओह आई एम सॉरी एक मिनट। बैंक के लिए जब निकल रही थी तब मिला था। पूछ रहा था यहाँ लखनऊ में कोई अच्छी खाने वाने की जगह है कि नहीं। अरे तो लखनऊ में तो बहुत जगह है खाने पीने की। फिर नहीं नहीं मैंने कह दिया हमारे होते हुए बाहर खाने की क्या जरूरत है, आज शाम का खाना हमारे यहाँ। ठीक किया ना? हाँ बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर में मैं पूरी लिस्ट बना के आपको फोन कर रही हूँ, आते वक्त पूरा सामान लेते आना और सलीम को भी कह देना। अच्छा अब रखूं? हाँ रखो, पहले चाय अब डिनर। चलो यू आर सेलिब्रेटिंग मिथिलेश एंड बीना। वाह इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है ना म्यूजिक। आप तो कभी मुझे ऊपर लेके ही नहीं आए। अब इतना सुंदर लग सकता है ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आकाश इतने क्रिएटिव कब से हो गए? अच्छा बचपन से कभी देखा नहीं। क्या लोगे? अरे लाइए मैं बनाता हूँ आपके लिए। आई एम प्लेइंग द होस्ट, मुझे करना। अरे नहीं मेहमान तो आप हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? पहला पैक मैं बनाऊंगा उसके बाद तुमको बनाना पड़ेगा। अच्छा मेरा स्मॉल, थोड़ा सोडा थोड़ा पानी। तुम क्या लोगी? पीना छोड़ दिया। चीयर्स मिथिलेश। यस चीयर्स। चीयर्स मैडम। चीयर्स। अच्छा बताओ आप लोग की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, लव अरेंज मैरिज थी, अरेंज लव मैरिज थी, क्या थी? शादी तो असल में इतनी जल्दी। शादी की बात छोड़ो, पहले बोलो तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? अरे कहाँ से शुरू करूँ, बरेली से दिल्ली, यूके, मिडिल ईस्ट, यूरोप। यूरोप? यूरोप भी? हाउ एक्साइटिंग। और अब लखनऊ में, कब कहाँ किससे मुलाकात हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड मिथिलेश बाबू। आई नो और मुझे क्या मालूम था यहाँ लखनऊ में आके मुझे एक छोटे बाबू ये चिल्ला कौन मेरा दोस्त सलीम। सुभान अल्लाह, अरे आज तो इस छत के तेवर ही बिल्कुल अलग है। हाँ ओपन एयर रेस्टोरेंट बना दिया आपने इसको बिल्कुल। देखिए ये फायदा होता है घर में औरत आती है तो। देखा सलीम आकाश जी हैं, मीना के पुराने दोस्त बरेली के। आकाश जी ये सलीम है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हॉकी टीम के कोच है।
खिलाड़ी है? अरे बस हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी को अपग्रेड किया है। अरे हाँ बताया था उन्होंने, बताया था। बिरयानी का फील ले लेंगे। ये लीजिए आपके लिए। ये क्या है? ये दाल बाटी है। इसको खाते हैं भी ना? खाते और हैं। क्या? कैसे खाते हैं? मतलब दाल के साथ मीट के खा लीजिए। बस बस क्या मीट के खा लीजिए, मैं बताती हूँ ना, इसे ठीक से नहीं खाओगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आइए खाती हूँ। इसे पहले अच्छे से तोड़ लो। तोड़ क्यों रही? अरे तोड़ोगे नहीं तो खाओगे कैसे? गोल बना। हेलो मिथिलेश, जो कुछ हो रहा है ना यहाँ पे, सब एक बार खा के देखे आकाश बाबू। एक काम करो, सब कुछ डाल दो इसमें, विस्की है, ये है, सब डाल दो। नहीं अच्छा मिथिलेश, आपने ये ट्राई? मैं खा चुका। अरे यही तो बनाया था जब ये मुझे देखने आए थे। क्यों? फिर तो सेफ है ना मिथिलेश? नींबू दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आकाश? शादी हो गई तो वही प्रॉब्लम। नहीं नहीं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, कोई हवा नहीं है। इनफैक्ट कंप्यूटराइजेशन के बाद सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कम इन सर। आइए आइए छोटे बाबू आइए। As I was saying, hands-on experience के लिए training program रखना बहुत सिरान मिलेश। Thank you। बहुत जरूरी है। कितना समय लगेगा इसमें? वैसे तो 6 महीने लगते हैं। But this man here has been doing a wonderful job। सारे data, सारी information, everything intact। सिर्फ इनकी वजह से 6 महीने का काम 1 महीने में हो जाएगा। इसके लिए किसी को इंचार्ज बनाने की जरूरत है? You have a man right here। In fact, अगर सारे departments इस तरह से काम करने लगे तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं। That's good। Thank you, sir। चलिए ठीक है, बाकी बातें डिनर पे डिसाइड हो जाएंगी। मिथिलेश तुम भी डिनर पे आना। जी सर। सर यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, ही इज अ मैरिड मैन नाउ। ओह आई एम सॉरी। मिथिलेश अपनी वाइफ को भी लेके आना। जी सर। हेलो हेलो नमस्ते, ये पांडे जी। हेलो हेलो एंजॉय योरसेल्फ। पांडे जी वहां बैठते हैं। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं हमारी बेगम से। आपकी तारीफ कर रहा है आकाश। नहीं मैं कह रहा था मेरे लिए पार्टी रखी हुई है। आई फील डीपली ऑनर्ड। अरे भाई हमें तो महफिल जमाने का शौक है, कोई ना कोई बहाना चाहिए और इस बार के बहाने आप हैं। हाय मिथिलेश। हेलो आकाश जी। आओ मिथिलेश आओ आओ। ये है मिथिलेश हमारी लाइब्रेरी। नमस्ते मैम। और ये है वीना शुक्ला। ये भी मैंने कहा था ना आपसे, दाल बाटी वाली। अरे भाई आकाश बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी, सुना है खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं तो जब भी दाल बाटी बनाती हूँ पत्थर के गोले बन जाते हैं। हमें भी सिखाओ ना कभी। हाँ जी सर। आओ मिथिलेश आओ, हैव अ ड्रिंक। जी सर। कम आओ चले। ये बच्ची बहुत शगा रही है मस्त से। हुजूर ये लखनऊ है, यहाँ तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड है। मैंने सुना था कि आजकल सिर्फ सुनने वाले रह गए हैं, सुनाने वाले सब तो दिल्ली में ही कौन से रह गए। अरे ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में है कुछ लोग जो लो एक शेर तक तो पूरा बोल नहीं पाते, टांग तोड़ के रख देते हैं। अरे वाह आपने तो दिल्ली को अंडरएस्टिमेट कर दिया। अच्छा एक मिसरा सुनाओ जरा। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। किसी और शायर का सुनेंगी या अपना कुछ पेश करूं? ओहो ये बात है। आकाश आकाश बहुत अच्छा गाता है पता है, चलो आओ। गुंजा कोई मेरे नाम कर दिया, साथी ने फिर से मेरा जाम भर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंजा कोई
तुम जैसा कोई नहीं इस जान में, तुम जैसा कोई नहीं इस जहान में। सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, सुबह को तेरी जुल्फ ने शाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। गुंजा कोई होश बेखबर से हुए उनके बगैर, होश बेखबर से हुए उनके बगैर, होश बेखबर से हुए उनके बगैर। वो जो हमसे कह न सके दिल ने कह दिया, वो जो हमसे कह न सके दिल ने कह दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। मान गए हुजूर मान गए, पर अभी जी नहीं भरा, मिस्रा एक बार और हो जाए, क्यों भाई? गुंजा कोई मेरे नाम कर दिया, क्या बात है, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया। एक ऐसी समस्या आ पड़ी है मेरे घर के सामने, बताइए ये कैसा सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है मेरे साथ। छिपकली जैसा गले में आके अटक गया है, ना उसको निगलते बन रहा है ना उसको उगलते बन रहा है, पूरा पूरा सिस्टम हिल गया है बाबा। ये यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस मेरे घर के सामने होना था, कुछ करो बाबा प्लीज, ताकि मैं वीना को आकाश से दूर रख सकूं, प्लीज प्लीज बाबा प्लीज। अम्मा नहीं समझ में प्लीज ये मेरी बात तो सुनो, फालतू की बात कर रहे हो। ओह एक मिनट, घर आते आते रोजाना बहुत देर हो जाती है, वीना बेचारी अकेली बैठी रहती है, बोर नहीं होती होगी क्या? अरे तो ये तो जिंदगी है, पति के साथ काटनी है तो आदत डालनी ही पड़ेगी। आप एक बार मेरी बात समझ लो, हाँ। अगर वीना यहाँ पे आएगी, आपके लिए थोड़े दिनों के लिए आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा करेगी, आपको बड़ी बहू का सुख मिलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है ना, आपके अलावा हमारा है कौन अम्मा?
भैया पानी वाले बताशे जरा खिलाइए। हम लोग तो बरेली में बहुत खाते थे, इतना मजा आता था। मेरे में थोड़ा वो मीठा डाल के बनाना। हाँ, सोच डाल देना थोड़ी सी। अरे हाँ, कल अम्मा के यहाँ गया था मैं। ओ। काफी दिन हो गए थे तो सोचा हो आऊं। और दूसरा बनाओ, अच्छा है ना? अम्मा बहुत याद कर रही थी तुम्हें। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और मधु भी मायके गई है तो अम्मा अकेली पड़ गई है। वैसे शादी के बाद तो बहुत दिनों से गए नहीं। वही तो, हम तो, मैं भी यही कहने वाला था। मैं क्या सोच रहा था कि तुम थोड़े दिनों के लिए वहाँ चली जाओ तो अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। अम्मा की वहाँ? लाओ भैया, आप भी चलोगे ना? मैं तो वो यूनिवर्सिटी, सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता है ना, और घर भी तो बंद नहीं रख सकते। फिर आपका खाना? खाने की चिंता तुम मत करो। अब हम तो खाना क्या, हम तो हमें तो आदत है ना, और कुछ ही दिनों की तो बात है, बीच बीच में घर आते रहना। ठीक है, चली जाऊंगी। तुम जो खत्म कर लो फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। अभी? अभी कैसे जाएंगे, अभी तो कपड़े भी नहीं लाए। अरे तो कल जब यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो कपड़े छोड़ते हुए चला जाऊंगा, और इस बहाने तुम्हें भी देख लूंगा, ठीक है ना? और नामकरण हो जाए, चलिए है ना। तो अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हैं, इस बच्चे को देखो, ये 6 फीट का हो गया बाबूजी। अरे देखिए इस दवाई को, ये देखिए, आपके चेहरे की चमक बढ़ाएगी, चेहरा चमकेगा कमल की तरह। और ये दवाई, इसको गर्म दूध के साथ लें, आपका कद बढ़ जाएगा, मेरा दावा है। मुश्किल करते हैं, इससे भी एक अच्छी जगह तुम्हें ले चलते हैं। बहुत मजा आएगा। इतना पीसफुल है ना यहाँ। अब तुम तो खाओ, खाओ तो। इस कहानी में सनम कौन बाजी ले गया, इस कहानी में सनम आज हो जाएगा फैसला। हाय मिथिलेश। अरे आकाश जी, लेट हो गया। आकाश जी ये देखिए, यहाँ पे हार्ट डिस्क का समाना हमसे है या जमाने से है, ये समाना हमसे है या जमाने से हम आज हो जाए फैसला, आज हो जाए फैसला। चालीस साल पहले हमारे पिताजी ने खुद खड़े होकर इस मकान की एक एक ईंट लगवाई थी। 2 साल पहले मैं यहीं पे रहता था, अभी पूरा परिवार। अम्मा ये आकाश जी हैं, मैंने बताया था ना वो कंप्यूटर का काम चल रहा है, उसी सिलसिले में आए हैं। और ये है हमारे मामा जी। हेलो आकाश, हेलो, इट्स अ प्लेजर टू मीट। सुनिए, पूजा की तैयारी शुरू करें। भैया जी पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अब देखिए ना, राशि का नाम कहाँ से रखना है, और घर में और कोई अजीब अजीब सा नाम बता रहा है, कोई किशन बताता है, कन्हैया बताता है, कांति बताता है। भैया जी को इतने पुराने पुराने नाम रखेगा, और तो और किसी से कोई अच्छा नाम पूछो तो हर कोई करण बता देता है। भैया जी मुझे अपने बच्चे का नाम करण नहीं रखना। तो इत्मीनान रखो। अरे भैया जी, बरखा करण कैसा रहेगा? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सोचेंगे। अरे सुनो, अरे बरखा। मंगलम गरुण ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। भैया जी नाम बताइए। भैया जी कपिल कैसा रहेगा?
एक मिनट भैया जी, मुझे अपने बच्चे का नाम मिल गया है, कबीर। आकाश भैया ने बताया है। अच्छा नाम है ना माँ, है ना? आकाश भैया ने सही नाम बताया है। भैया जी अच्छा नाम बताया। भैया जी मैं तो अपने बच्चे का नाम कबीर रखूंगी। अच्छा नाम है भैया जी, मुझे बहुत पसंद है भैया जी। कबीर अच्छा, हमें बहुत अच्छा नाम बताया। कबीर तो है जी, एकदम नया अलग सा नाम। कबीर अच्छा नाम, कबीर जैसा बहुत अच्छा नाम। क्यों मां, कबीर ताली बजाइए, ताली बजाइए जरा। यू नो अभी तक जितने भी नाम रखे गए इस घर में सब मिथिलेश ने रखे। ओह आई सी, आई थिंक दिस बॉय इज गोइंग टू बी वेरी लकी। व्हाई इज दैट सर? अरे भाई तुम आए, तुमने नाम रखा इसका, और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि भाई जो नाम रखता है उसकी क्वालिटीज उस बच्चे में जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती है। आपका मतलब है कबीर बड़ा होके बदमाश बनेगा? अरे ऐसे मत कहो, तुम एजुकेटेड हो, फॉरेन में पढ़े हो, सक्सेसफुल हो, और पर्सनालिटी क्यों मिथिलेश? मामा जी ना, क्या बात है। एंड व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर आकाश, आई एम रियली इंप्रेस्ड। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर। वंडरफुल मैन यू आर। आकाश जी। हाय मिथिलेश। वीना तो नहीं है आज, तभी तो आप इतने खुश हैं। पता है फोन आया था। अच्छा मैं छत पे जा रहा हूँ, छोटा सा चलोगे? इतना क्या सोच रहे हो यार, एक स्मॉल बैग। कमा कमा। अच्छा मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ओके ओके। तो मिथिलेश तुम्हारा वही है ना, सोडा एंड पानी? नहीं, आज मैं भी ऑन द रॉक्स। अरे वाह क्या बात है। वैसे विस्की जो है ना ये हमेशा ऑन द रॉक्स पीना चाहिए। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। होता होता है, सेकंड पैक में सब ठीक हो जाएगा। तो आकाश जी दिल्ली में कहाँ आप? लिफ्ट कॉल, डिफेंस कॉलोनी जी, शुरू से वहीं था। तो जैसे आप यहाँ और मदर वहाँ अकेली? मम्मी तो मुझसे ज़्यादा बिजी है, सुबह पूजा पाठ, फिर आर्मी क्लब की सेक्रेटरी है, वहाँ बिजी हो जाती जी। हम दोनों की ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा तो खत्म हो गया। नहीं नहीं आप खत्म कर लीजिए, तब बनाते हैं। ओके। एक मुझे भी पिलाइए। सिगरेट? जी। नाइन्टी नाइन परसेंट लोग सिगरेट स्टाइल के लिए शुरू करते हैं, मैं भी कॉलेज में पकड़ी थी स्टाइल के लिए, स्टाइल ही मुझे नहीं छोड़ रही। छोड़ दूंगा एक दिन। I'll quit one day. आपको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं मेरा मतलब है सेटलमेंट जो। कल ही कर लेते हैं। अरे नहीं, इंडिया में कोई चीज़ हो ना हो शादी बड़ी आसानी से हो जाती है, सोशल लाइसेंस है और क्या। नहीं मैं इस इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या है ना मिथिलेश, ऐसी शादी कर लेना कोई सेटलमेंट नहीं होता। देखा, पसंद किया, कर ली शादी, फिर सारी ज़िंदगी एडजस्टमेंट करते रहो। आपने किसी को क्यों चुना, क्या आप उसके काबिल हो या नहीं, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी इस गलत फैसले के साथ जीते हैं। सभी लोग आपकी तरह लकी नहीं होते मिथिलेश बाबू।
आप स्लो जा रहे हैं। या तो मैं स्लो जा रहा हूं या आप फास्ट जा रहे हैं। इन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। इस डॉक्टर साहब को छोड़ रहा हूं। छोटे बाबू आप यहीं पे मिल गए। ये दीना दी ने टिकटें दोबारा मंगाई थी, उनको फिल्म फिर से देखनी, उनकी फेवरेट फिल्म है। 9 बजे का शो है, आकाश जी को लेके पहुंच जाएगा। हमने अपना टिकट ले लिया, आपको वहीं पे मिल गया। ठीक है, देर मत करिएगा, हम जाके प्रैक्टिस कराते हैं। चलो बे। लो टिकट भी आ गई। पता नहीं ये कंप्यूटर का काम कब खत्म होगा कब नहीं। अच्छी मुसीबत आ पड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, किससे बात करूं। भोले बाबा भी कुछ नहीं कर रहे। अरे आइए बाबूजी, बैठिए, बोलिए। ये क्या है, क्या है ये क्या दिया है तुमने मुझे? तुमने मुझसे 1500 रुपए मांगे, मैंने तुम्हें 1500 रुपए दिए? दिए कि नहीं दिए? फायदा होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पेट में गर्मी गर्मी सी भर गई है। मुझसे कुछ भी चबाया नहीं जा रहा है, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। मेरे जी में छाले पड़ गए हैं। तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ मैं बेवकूफ बनाने के लिए मिला क्या? और वो है कि बाहर की तरह खिलता जा रहा है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दे प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया? तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। नहीं लेकिन ऐसा भी क्या, 10 रुपए की बोतल 25 रुपए। कलर में मधुवाला, वो कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट, मधुवाला इज मधुवाला। लीना लीजिए। फिल्मों के बारे में बड़ा सिलेक्टिव हो दोस्त। क्या बात कर रहे हो, वाया फिल्म नहीं देखता ना? पर ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है। दिस इज अ वेरी गुड फिल्म। सेकंड हाफ ना? हां सुपर। कहां सेकंड हाफ, बिल्कुल लीना दी डेली सोप जैसा आंचल। बहुत अच्छी पिक्चर है। सेकंड हाफ जो है बहुत बढ़िया है। मैं तो पहली बार देख रहा हूं। ये कहां आते हैं पिक्चर देखने के लिए? इतने दिनों से बोल रही हूं फिल्म के लिए। तुम आए हो तो प्रोग्राम बन पाया है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। कैसी फिल्में देखते हो? मैंने शोले देखी है। और सभी लोग ने देखी है। क्या मैं तुमसे एक बात कहूं? क्या? कुछ नहीं। जानती हो तुम बहुत अच्छा नाचती हो, बहुत मजा आया। वनराज लेकिन मैं भी बहुत अच्छा नाचता हूँ। नाचता के नहीं लेकिन क्या मैं तुमसे बात कहूं? कुछ नहीं। यू नो मैं उससे मिला
बहुत अच्छा है वो, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, शायद मुझसे ज्यादा, शायद नहीं। वो 100% आपको मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। लेकिन एक बात कहो। क्या? कुछ नहीं। You know, जब तुम चली जाओगी, I'll be a happy man. अरे, वो उस ब्रिज से पुकारूंगा मैं तुम्हें। मेरी आवाज पहचानोगी ना तुम? पहचानोगी ना मेरी आवाज? तुम जरूर पहचानोगी मेरी आवाज। कम ऑन कम ऑन, एक हाथ चुनो, कम ऑन कम ऑन, हाथ चुनो। मुझे पता था आप उसी की होंगी। अगर आप ये हाथ चुनती तो भी आप उसी की होती। डिलीवरी के लिए आए हैं, सुबह फोन पे बात हुई थी, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला। थैंक यू। अच्छा मिथिलेश, तुमने एक्सेसरीज के बारे में बात कर ली ना? नहीं, वो तो सब कार के साथ ही मिलता है ना? नहीं नहीं, वो जो एक्स्ट्रा मिलता है, टेफ्लॉन कोटिंग, सीट कवर और डेक वगैरह। नहीं, वो सब बातें नहीं की मैंने। मेरे ख्याल से बात कर लेनी चाहिए। यू नो दीस डीलर्स, देयर एंडिंग में काफी मार्जिन मिलता है लोगों को। I think they should pass it on. Mr. Shukla? Hello. Hi. गाड़ी के पेपर्स तैयार हैं, आप चेक कर लीजिए। Come on, come on. मैडम, गाड़ी तैयार है। Come on. आप ही बात कर लीजिए। Please. What's your name? Amrish Srivastav. Amrish Akash. Hi. I need to speak with you. Please. Come. आकाश जी। सर ये गाड़ी के कागज और ये गाड़ी की चाबी। थैंक यू। एक्सेसरीज अगले हफ्ते लग जाएंगी ना? यस सर। पक्का? श्योर सर। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस मैम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू अमरीश, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, एक्सेसरीज आपकी लग जाएंगी, ये आपकी चाबी है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे क्यों दी? गाड़ी चलानी है भाई आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मैंने तो कई दिनों से गाड़ी नहीं चलाई, आप चलाइए। मैंने तो कार चलाना सीखा ही नहीं कभी, मैं इसका क्या करूं? ओके, फिर आप चलाइए। आई एम सो सॉरी, ये नई गाड़ी आपकी है, आपको चलानी होगी। श्री गणेश आपको करना होगा। हाथ खोलिए, ये छोटा सा गणपति आपके लिए। ओ माय गॉड, कितना अच्छा है। अच्छा है। आप कुछ बोलिए ना। अरे तो आप चलाइए ना कार। अरे मैंने अकेले कभी भी गाड़ी नहीं चलाई, मैंने जब भी गाड़ी चलाई है साथ में कोई बैठता था। ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? अरे आकाश, समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। अरे कुछ एक काम करो, आप कार चलाइए, आकाश जी आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, मैटर सॉल्व। लेकिन नई गाड़ी है, मैं कुछ हो गया तो ब्रेक पता है? हां, बाकी मैं संभालूंगा। अरे नो मोर आर्गुमेंट्स, बैठो। समझ आप भी ना। चलाइए लो, आखिर सीट नीचे करनी पड़ी ना। अरे हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है छोटे बाबू। क्या है ना कि अपनी ऊंचाई के हिसाब से अगर सीट को नहीं रखूं तो बैलेंस तो बिगड़ना ही था, तकलीफ तो आप ही को होनी थी। यही बात मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर क्या है कि आप मान ही नहीं रहे, अपनी ही चलाए जा रहे थे। अरे भाई, कभी कभी दूसरे की भी बात मान लेनी चाहिए, तजुर्बा नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? कौन सी लड़की अपने से नाटक मुझे तो लगता है लंगूर के हाथों हो रहे ऐसी शादी करने आपने किसी को क्यों चुना? आप उसके काबिल हो या नहीं, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। बाबा जी क्या ये क्या कर रही है?
अरे भी बड़ी जल्दी आ गए आज। नहीं, वो काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा जल्दी आ जाऊं। बड़े थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लगातार काम करता रहा उसकी वजह से। कैसी चल रही वीना आजकल आपकी ड्राइविंग? अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस किया करो रोज। रोज कहाँ हो पाती है प्रैक्टिस, रोज नहीं हो पाती। नहीं, प्रैक्टिस रोज करोगी तो आपका हाथ साफ होगा ना। बहुत अच्छी लग रही हो, कहीं गई थी क्या आज? क्यों? नहीं, कपड़े देखकर ऐसा लगा शायद कहीं गई थी। अरे, बड़े कपड़े नोटिस करने लगे हैं आजकल आप मेरे। नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया देखकर तुम्हें। अच्छा तो बोलो, मैंने कल क्या पहना था? कल आपने क्या पहना था? कल आपने रहने दो, मैं चाय लेके आती हूँ। कोई बात नहीं, ख्याल रखो, बाय। नहीं, मैं समझता हूं, मैंने ही तो शादी करवाई थी। हाँ, वो आई थी, खुद आई थी मुझसे मिलने। वही मैंने उसको बेहद समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कब तक छुपाएंगे? डिवोर्स? अरे, इतनी जल्दी डिवोर्स की नौबत आ जाएगी, मुझे मालूम ही नहीं था। हाँ, नहीं नहीं, अभी उसने कुछ नहीं बताया, मुझसे कह रही थी मैं खुद मौका देखकर बात कर लूं। अब कोई किसी की पूरी जिंदगी खराब थोड़ी कर सकता। हाँ, तब तक वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। अब क्या, अब मैं ही बात करूंगा। हाँ, बहुत कोशिश कर ली, बहुत मुश्किल है, शायद इसी में सबकी भलाई। नहीं नहीं, किस्मत है ये चीज क्या है, बुझता धुआं जलता दिया, या दिन को पलटता हुआ रात का नशा है, नशा नशा है, नशा
ये जल जाता है रात बनकर, हो ये जल जाता है रात बनकर, या बुझते हुए दिन का समा है समा। अरे देखो आकाश, तुम्हें ना एक चीज़ दिखा दो, ये जो पीला पीला रंग है, ये जो थोड़ा ग्रीन कलर है, एंगल से बिना के काबिल नहीं हूँ। वो बहुत अच्छी है, जिंदगी खराब हो गई उसकी। मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी बाबा। किचन में खटर पटर, मैंने कितनी बार बोला है आपको किचन में मत आना, दिस इज माय डिपार्टमेंट। नहीं, आप सो रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ बना लेता हूं। अरे आलू के पराठे? जी आइए। मैंने आपको मना किया है ना, मेरे किचन से दूर रहने के लिए कहा है ना। अच्छा ठीक है, अब नहीं जाऊंगा, लेकिन आज आखिरी बार तो खा लो। क्या बनवाना है? चलो मैं खिलाता हूँ। कुछ तो बात है। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या मनवाना चाहते हो? नहीं नहीं कुछ भी ऐसा नहीं। मैं क्या मनवाना चाहूंगा? हस्बैंड जब ऐसा करते हैं कुछ तो बात होती नहीं, है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट सरप्राइज। अच्छा है ना? बहुत। लेकिन आलू पराठे से काम नहीं चलेगा तो फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके चलो, जहाँ कैंडल लाइट हो, अच्छा म्यूजिक हो, कितना रोमांटिक। क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे क्या, किसी को भी अच्छा लगेगा। ओके, आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा, फिर हम दोनों चलेंगे। हम चलेंगे शाम को कहीं अच्छी जगह। अच्छा लगा तुमने बोला। बोरा है मोहब्बत की हमसे न हुई हासिल, एक हुक है आओ बे तुझको तो मिले मंजिल। बोरा है मोहब्बत की हमसे न हुई हासिल, एक हुक है आओ बे तुझको तो मिले मंजिल। तू कुछ गुड इवनिंग सर। मिथिलेश शुक्ला जी सर। चलिए आइए सर इधर। मेरा तो सब अपने अपने मस्त है। हाँ। जी इस तरफ जी। बैठो जी। हाँ बैठिए। थैंक यू थैंक यू। कितनी अच्छी जगह है, वेरी ब्यूटीफुल।
कैंडल लाइट भी है, डिनर भी है, म्यूजिक भी है, बहुत रोमांटिक है। चलो अच्छा है। मेनू सर, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। आप क्या लेंगी? मैं एक स्वीट कॉर्न चिकन सूप। ओके, एक स्वीट कॉर्न सूप। ओके सर। और मेरे लिए एक स्कॉच ऑन द रॉक्स। ओके सर। और हाँ, मेरे लिए एक सिगरेट का पैकेट भी लेके आइए। ठीक है, इतना लेके आइए, फिर बताता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप कब से पीने लगे? नहीं नहीं, सिर्फ आज के लिए, रोज कहाँ पीता हूँ। देखिए आदत पड़ जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा, आदत कैसे पड़ जाएगी। क्या बात है? क्या आज तो कुछ अलग मूड में हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। नहीं बताइए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना। बोल दूं? आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बात को मत डालिए, बोलिए ना। अरे प्लीज। योर ड्रिंक सर। जी, थैंक यू। बस बस, सिगरेट दीजिए। आपको बिल्कुल नहीं सूट करती। क्या बात है, बोलिए ना, बोलिए ना प्लीज। वीना, आपने एक बार बोला था कि दिल में जो बात हो उसे बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बात आपके साथ भी लागू होती है ना? ऑफ कोर्स, क्यों? मैम योर सूप। सर आपका ड्रिंक रिपीट करना चाहेंगे? मैंने मैनी स्टार्टर्स, फिश टिक्का, हरा भरा कबाब। थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ओके सर। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। बताइए ना। अरे आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? नहीं कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? अब क्या बोलूं? आप सूप तो पीजिए ना। नहीं, मैं सूप नहीं पीऊंगी। आप पहले बताइए। आपके लिए रिपीट सर। हाँ हाँ, मेरा एक ड्रिंक और लेके आइए। मैडम एनी स्टार्टर्स, फिश टिक्का, रेशमी कबाब, चिकन चिली। चिली चिकन। चिकन चिली। ओके, थैंक यू मैडम। बोलिए प्लीज, बोलिए ना। देखो वीना, जिंदगी में जो इंसान जिस काबिल होता है उसे वो सब कुछ मिलना ही चाहिए, और मैं इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे सब पता है। क्या पता है? अब पता चल ही गया है तो छिपाने से क्या फायदा, सच्चाई सामने आ ही जाती है। मैं अब तक ये सोच रहा था कि आप मुझसे छिपा रही हैं क्योंकि आप मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। आकाश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो योर ड्रिंक सर। सम मोर आइस। बस बस, थैंक यू सर। आकाश जी आपको बहुत खुश रखेंगे, और मैं भी यही चाहता हूं
कि आप जहां भी रहें बहुत खुश रहें। मुझे पता है कि आप मामा जी के यहां भी गई थी हमारे डिवोर्स के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन 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 मुझे एक बात का गम है कि आप ये सब कुछ मुझे बताती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी आपको? हो क्या? ये बताने के लिए आप मुझे यहां लेके आए? आपने मुझ पे शक किया, मेरा पीछा किया? शक की क्या बात, जो सच्चाई आप कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ? आकाश और मैं, कितना घटिया सोचा है आपने। सच मैं तो कुछ और ही सोच रही थी कि आपको कुछ और ही पता है। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, मैं प्रेग्नेंट हूं। लेकिन आपको बोलने से क्या फायदा, आप तो अपना मतलब निकालेंगे। मैं क्या सोच रही थी और आप जानना चाहते हैं ना कि मैं मामा जी के वहां क्यों गई थी? मामा जी के ऑफिस के बगल में डॉक्टर का क्लिनिक है, मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। डॉक्टर ने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो दो दिन के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म करने के लिए बुलाया था। हाँ, मैंने छुपाई आपसे ये बात, क्योंकि मैं सिर्फ आपको खुशखबरी देना चाहती थी, सिर्फ खुशखबरी। लेकिन आपने तो अच्छा किया। बात समझ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब आपको इसका हक नहीं है। घर की बड़ी बहू रात को 11:30 बजे मुझे टेलीफोन करके कहती है कि वो वापस अपने घर बरेली जा रही है। कैसी गृहस्थी चला रहे हो तुम? तुम मेरे दफ्तर आए थे तो मुझसे मिले क्यों नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं करी? ओ बेवकूफ, वो तो सक्सेना साहब की लड़की के बारे में बात कर रहा था मैं। शराब के नशे में धुत न जाने क्या क्या कह दिया तुमने उसे। वीना तुम्हारे साथ कितनी खुश थी, तुम्हें कितना प्यार करती थी वो। मिथिलेश, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी मामी शादी के 2 साल बाद गुजर गई, लेकिन मुझे अभी भी उसकी कमी महसूस होती है। तुम्हें पता नहीं कि एक अच्छे जीवन साथी के खोने का क्या गम होता है।
तुम्हें अगर जरा भी अकल बची है, कुछ शर्म हया है, तो तुम अभी बरेली जाओ, उसे माफी मांगो और उसे मना कर लाओ। चलो मेरे साथ, बस अड्डे पे ड्रॉप करता हूं। मिथिलेश, मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माफी के काबिल भी नहीं हूं। ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, और मैं अपने लिए ही गड्ढा खोदता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा दलदल में फंसा कि तुम पर ही शक कर बैठा। आज मेरे ऊपर इतनी मिट्टी है वीना कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुमने मुझे सब कुछ दिया वीना, यहां तक कि तुमने बाप बनने की खुशी दी, और मैं तो तुम्हारा पति भी नहीं बन पाया। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। आज भी आपने और एक बात गलत कही कि अपनी जिंदगी अब आपके बिना जी सकती हूं मैं। I am so sorry. क्यों? I am so sorry. जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो रिश्तों को नए मायने देते हैं। लगभग एक साल बाद मिथिलेश अब शिव मंदिर अकेले नहीं आते। और भी बहुत कुछ बदला। दूध वाला अब एक नहीं ढाई लीटर दूध देकर जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान सब्जी वाले और विक्रम वाले हुसैन ने बहुत मदद की। सलीम ने शादी करना पोस्टपोन कर दिया और आजकल हॉकी कोचिंग के साथ साथ खुद कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। आकाश की अगले महीने शादी है। लड़की गुवाहाटी की है और शादी के बाद दोनों बैंगलोर में सेटल होने वाले हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि एक पल में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अब हम सब की जिंदगी क्या रुख लेती है, चलिए देखते हैं।